आज मैं दुनिया के सबसे अमीर देश में रहने की कोशिश करूंगा बिना पैसों के। ये जगह मैंने सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस में देखी थी। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों को टैक्सी बना दिया जाता है। तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज का मेरा पूरा दिन कैसे जाएगा और मैं क्या क्या करूंगा, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। तो भाई सबसे पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे एक बीच है, वहां पे चलते हैं, थोड़ा नहा लेते हैं, उसके बाद खाने पीने का देखेंगे। गाइस ये देखो मेरी प्राइवेट यार्ड। गाइस मेरा ड्राइवर जा रहा है बोट लेके, बाय बाय। एंड अब असली दिन स्टार्ट होगा, जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी मेरे को ये दिखा, ठीक है? मैं देखो वहाँ से शावर करके निकला, टाँ 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 बाल पोछ पोछ के, एंड सामने मुझे पानी शायद दिखा, पानी ही लग रहा है मुझे, येलो कलर का, और क्या हो सकता है। आई थिंक इसमें मुँह डालना पड़ता है ऐसे। भाई नहा तो लिया था, फिर से नहा दिया। ये वाला इस पानी का मेरे को समझ नहीं आया, ट्राई करना भाई पानी पी के वाला, मेरे को ही नहीं आता है या फिर और भी मेरे लोग गवार हैं। अबे भाई टोपी। गाइस मेरे हिसाब से जो फास्ट एंड फ्यूरियस में मैंने देखी थी बिल्डिंग जहाँ से डॉम टोरेटो अपनी गाड़ी उछाल के दूसरी बिल्डिंग में घुसाते हैं और दूसरी बिल्डिंग से भी उछाल देता है, आज हम उस बिल्डिंग में भी जाएंगे। अभी तो अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे तो रिजॉर्ट लग रहा है, पर मेरे हिसाब से पार्क है कोई है। गाइज ये नॉर्मल पार्क भी एकदम रिजॉर्ट टाइप का ही लग रहा, मतलब कितना सुंदर है। गाइज यहाँ के कचड़े के डब्बे भी मिस्ट्री बॉक्स से कम नहीं है, ठीक है? क्या पता इसके अंदर भाई कुछ भी हो, पैदा फेंक दिया हो, लैम्बोर्गिनी की गाड़ी की चाबी हो, कुछ भी हो सकता है। ये गरीब। गाइस देखो हमारे रोनाल्डो भाई की फोटो, जिसने भी मेसी बोला बहुत गलत बेटा, ध्यान से देखो कौन है, पापा है, पापा मतलब रोनाल्डो। ओह डॉम टोरेटो फैमिली, ओह माय गॉड, क्या है ये फैमिली जबरदस्त। गाओ भाई कितनी मस्त लग रही है कार, शीश, ओह ला ला ला, दिस इज द फरारिया मामासीता के पासीतो 767 GT horsepower with 1.2 8 liter engine petrol pump V12 engine. This is the Ferrari Hamada Haman. This is the Ferrari Haman and इसके जस्ट बगल में ये देखो भाई, मतलब मुंह से शीश के अलावा क्या निकलेगा तुम्हारे, और पानी के अलावा। Oh my God guys, ये देखो ये क्या है, मेरे हिसाब से मेट्रो सड़क पे आ चुकी है, मेट्रो लग रही नहीं, बस तो लगी नहीं रही है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी निकाली है दिल्ली में, दिल्ली में नहीं सॉरी अबू धाबी में। गाइज अभी मेरे जो हमारे जो पीछे भाई लोग हैं, इन लोगों ने ऑफ कैमरा में बोतल दिखा, पानी की बोतल दी, वेरी स्वीट, थैंक यू गाइज। भाई भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख। आऊं? ओके ओके, ये दिख रही है, दिख रहा है टावर आने दर। आई थिंक ये हम आ चुके हैं फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग वाली जगह पे, आ जाओ। तो गाइज एक घंटे पैदल चलने के बाद इतनी तपती धूप में हम लोग फाइनली आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस शूट हुई थी, यानी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कार कूदी। ऐसा लग रहा है कि बुर्ज खलीफा के तीन छोटे भाई हैं, एक का नाम है सलीम, अब्दीम और नवीन। गाइस अभी मैंने अपने पीछे स्टॉप वाला साइन देखा एंड मेरे को याद आया एक ट्रेंड था टिकटॉक में, स्टॉप। लेडीज एंड जेंटलमैन, हल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बगल में स्वेटर, भाई ये लिटरली वैसे ही सूट है। ओह माय गॉड, मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे ये फोटो डाली थी, मुझे नहीं पता तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो कि नहीं करते हो, ये वाली फोटो देखो और ये स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम देखो, खुद बताओ कि दोनों सेम इंसान है कि नहीं है, पीटर भंडारी हूँ कि नहीं हूँ, कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ, सच सच। गाइस देखो चलते चलते सामने दिख गया लैम्बोर्गिनी का शोरूम, तो गाइस लैम्बोर्गिनी शोरूम में एंट्री दे दिया, एंड दिस इज द लैम्बोर्गिनी उरुस, दिस इज द लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर की हुरिकेन, आई थिंक एवेंटाडोर लेटेस्ट उरुस डम। भाई ओ माई गॉड गाइज, मैं मतलब इतने पास से लैम्बोर्गिनी पहली बार देख रहा हूँ, एंड वाह आई थिंक ये पहली बार है जो मैं ब्लूइश कलर देख रहा हूँ लैम्बोर्गिनी में, मोस्टली मैंने येलो देखा है एंड रेड देखा है, बट बहुत ही अलग डिफरेंट कलर है। और ये क्या है, ये तो गाइज रोमियो और जूलियट की बोट लग रही है, आई मीन प्यार तो हो नहीं पाया बेचारों का, जिन्होंने रोमियो एंड जूलियट पढ़ी होगी उन्हें पता है कभी मिल नहीं पाए वो लोग, एक साथ नहीं हो पाए, कितनी प्यार भरी बोट है भाई। गाइज यहाँ पे लिखा है फिशिंग इज प्रोहिबिटेड,
जैसे मैं इंडिया से आबू धाबी मच्छी मारने आया हूँ। तो गाइस बहुत ज़्यादा चलने के बाद कसम से हालत पतली हो गई, किडनी में दर्द हो गया। हम फाइनली मॉल में आ चुके हैं और इस मॉल का नाम है मरीना मॉल। बिना पैसों के देखते हैं मॉल में क्या क्या होती हैं चीज़ें, क्या क्या मिल सकता है, अलग ही खुशबू है यहाँ पर। तो गाइस मैं सोच रहा था कि मॉल में तो बहुत सारे स्टोर्स हैं पर मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैंने देखा कि मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रोलेक्स से खरीद लूँ, यू नो। तो गाइस मैंने फाइनली घड़ी ले ली है। तुम लोग कमेंट करके बताओ कि घड़ी कैसे लगी, मतलब उतनी महंगी भी नहीं थी सच बताओ तो। मुझे लगा रोलेक्स का स्टोर बहुत महंगा होगा पर उतना महंगा नहीं था। तुम लोग कमेंट करके बताओ कि घड़ी कैसे है। तो गाइस अभी हम लोग मॉल के अंदर आ चुके हैं एंड सबसे पहले मेरी आँख इस घड़ी की शॉप पे पड़ी है जिसका नाम है फ्रैंक मिलर। लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या है। दो करोड़ की घड़ी देखने वाले हैं अभी हम। 2 करोड़ में तो लैम्बोर्गिनी आ जाती है भाई। एंड हियर इट कम्स, ओह मामा मिया। सो इट्स अ टर्बुलेंट वॉच इन व्हाइट गोल्ड। So after discount the price comes somewhere around let's say 550. इसमें तो डायमंड भी नहीं है, 1 करोड़ की कैसे आई है? डायमंड है, the function is for tourbillon. The retail price is 1.2 million. 1.2 million. Oh my. Okay. तो गाइज ये है ऑलमोस्ट 2 करोड़ की एंड ये है 1 करोड़ की, तो मतलब मेरी आंखों के सामने 3 करोड़ रुपए हैं अभी, है ना? मतलब यो गाइज मॉल के बाहर में आ चुका हूँ भाई। वहाँ पे बर्गर किंग था, KFC था, मैकडोनल्ड्स था, मुझे जाना था अंदर खाना था पर चैलेंज ही ऐसा है, जाके खा नहीं पाया। एंड ऑल्सो भाई ये देखो ये कितना होटल मस्त लग रहा है, क्रेजी लग रहा है ना। बट भाई देखो अभी भी पूरी की पूरी रात बाकी है और अगली सुबह होने तक मैं कैसे गुजारा करूँगा ये समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस अब मैंने सोचा है कि भाई देखो होटल तो हम जा नहीं सकते, तो यहाँ पे बहुत सारी यार्ड्स हैं जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। एंड अब चलते हैं यार्ड्स की तरफ। ओ भाई यहाँ पे है ना यार्ड्स। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे सारी की सारी यार्ड्स हैं। यह यार्ड अच्छी लग रही है। दिस इज ऑल्सो योर्स। ओके तो ये है अंदर का इनसाइड यार्ड, यहाँ पे बैठने का है, दिस इज ये भी बैठने का, आई मीन सभी बैठने का है। खड़े रहने का ये, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। दिस इज अ बेड, मास्टर बेड। ओ माय गॉड दिस इज नाइस। यो यहाँ से ड्राइवर चलाते हैं, मुझे लगा नीचे से चलाता होगा। यो ये तो भाई बहुत क्रेजी लग रही है। आई डोंट थिंक कि अगर हम पैसे के साथ भी आए होते तो इसे भी अफोर्ड कर सकते थे। तो गाइस अभी तीसरी यार्ड जाने से पहले मैं विहान को वीडियो कॉल करता हूँ। यो और करीब। नमस्ते, क्या बोला? मैंने सुबह से पता है कुछ खाना वाना नहीं खाया, खाओ ना जाकर फिर। भूख लग रही है। अबे लिविंग फॉर फ्री इन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट सिटी वीडियो। तुम यही कंटेंट बनाओ, कुछ ढंग का बनाओ यार। चल ठीक है, बाय बाय ब्रो, लव यू, बाय। गाइस वैसे याद तो आ रही है व्यान के और यार्ड भी काफ़ी बढ़िया है, बस भाई थोड़ी सी भूख लग रही है भाई कसम से। गाइस बेड भी है, चड्डी तो नहीं आ रही मेरी, ठीक है। अभी देखो अगर मेरे सर पे टोपी आ जाएगी और मेरी यूनिफॉर्म आ जाएगी तो फिर मैं एकदम ड्राइवर लगूंगा और मेरे हिसाब से एडिटिंग की मदद से हो भी सकता है। और अगर फिर मैं इंग्लिश में बात करूँ, सर वेयर यू वांट टू गो, तो मैं पूरा ही ड्राइवर लगूंगा। 911, व्हाट्स योर इमरजेंसी? तो गाइस जब से यार्ड में बैठा हूँ तब से ऑल आई वांट टू से इज इंग्लिश एंड विद एन हैवी वर्ड। मतलब गाइस और भी चैलेंज किया मैंने पर यार पता नहीं यहाँ पे तो इतनी धूप है उसकी वजह से या फिर पता नहीं क्यों जान ही खत्म हो चुकी है बॉडी से, मतलब सर भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और शर्ट भी गंदी हो चुकी है, तो मैं इसे खाना भी नहीं मांग सकता। मैं गलत टाइम पे चला गया था उधर। हे गाइस रात के 3:30-4 बज चुके हैं, अब मैंने टाइम चेक किया एंड भाई रोड एकदम खाली हो चुके हैं। अरे तुम मत जाओ भाई, कोई दोस्त नहीं यहाँ पे। बिल्ली ओ बिल्लो भगे बिल्लियाँ तक की। अरे भाई ऐसे क्या देख रही है बिल्ली, डर गया मैं। भाई यहाँ की बिल्लियाँ भी कुछ बहुत खतरनाक होती है। एक तो पर्शियन कैट मैंने देखी थी जो शेर टाइप की लगती है। बाकी गाइस बाकी कुछ हो ना हो भाई देखो बिल्डिंग से भाई देखो बहुत भूख लग रही है और जैसे ही ये चैलेंज खत्म होगा सबसे पहले तो मैं एक बर्गर खाऊंगा।
गाइस फाइनली सुबह हो चुकी है एंड अब टाइम है बर्गर खाने का। लेट्स गो। पहला बर्गर खा रहा हूँ मैं।